जो है एकदम ही बी ग्रेड हिंदी फिल्मों पे जोर है। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे नींद आ रही है। तो क्या मैं यहाँ तेने लोरी सुनाऊं? ललबाए लोरी नहीं मैडम, कव्वाली। ओ ओ, तुम क्या चाहते हो कि हमारी मैडम तुम्हें कव्वाली सुनाए? वो तुम्हें कव्वालन दिखती है? तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम की आवाज में जान है, मुंह में पान है? किस एंगल से वो तुम्हें कव्वालन दिखाई दे रही है? भाई साहब, मुझे भी तो कुछ बोलने दीजिए। मैडम, मुझे नींद आ रही है। या ब्रो, टोल्ड मी। मैडम, मेरी एक पड़ोसन है। ओए होए, पड़ोसन? अबे पड़ोसनों का कैसनोबा। अबे पड़ोसन शब्द सुन के तो तू ऐसा ईगर हो जावे जैसे कि दुनिया भर की तमाम पड़ोसने एक हाथ में गुलाब का, दूसरे में चमेली का फूल लिए थारी ही राह में पलके बिछाए खड़ी है। कैरी ऑन। क्यों, क्या कर दिया है पड़ोसन ने थारे से? एक कप जो है चेनी मांग ली या एक कप चाय की प्याली? मैडम, मेरी पड़ोसन है ना, वो मुझे रात भर सोने नहीं देती, मुझे नींद आ रही है। एक्सक्यूज मी, पड़ोसन सोने नहीं देती मतलब? अरे ये दादाजी क्या सोच है? मैडम, मेरे एक पड़ोसन है, वो है ना कव्वालन है। मैडम, वो अपने फ्लैट में ना कव्वाली की क्लासेस भी चलाती है और रात भर कव्वाली की प्रैक्टिस भी करती है, क्योंकि वो प्रोफेशनल कव्वालन है ना, इसलिए। और मैडम, मैं एक सीधा साधा आदमी, एक ऑफिस में काम करता हूँ। सुबह 8 बजे मेरी ऑफिस खुल जाती है, उसके लिए मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। तो मैडम, जब मैं शाम को थका हारा सोने की कोशिश करता हूँ ना, तब बाजू वाले फ्लैट में से तालियों की आवाज आती है, ढोल पीट पीट के बजाया जाता है मैडम, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। एक आदमी जो है मेहनती आदमी, सवेरे 6 बजे जाग के पूरा दिन काम करे और रात को सो भी नहीं पा रहा है इस देश में। अबे कौन है ये इतने एक्साइटेड लोग जो रात भर हल्ला काट रहे हैं और तबले बजाए ले रहे हैं और कव्वाली गाए ले रहे हैं? बुलवाओ उन्होंने। ओके, मम्मी जी, ही इज द स्लीपिंग इज द हेयर। थका हुआ है। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने। लिलो जो चौकी है या कव्वाली की महफिल है तुम्हारी? आदाब, अर्ज है, सुन लीजिए ना, सुनने में क्या हर्ज है, बुलबुल उड़ जाएगी। भैया, लोगों की नींद उड़ाने से अच्छा है बुलबुल ही उड़ा लीजिए आप। नाम बोलिए मोहतरमा। बानो, कातिलाना बानो, बुलबुल उड़ जाएगी। ओहो, मैं कह जी, बड़ा कातलाना नाम है आपका है। जबान ने जेब में रख ले ये पोपाई, वरना आज कहीं थारा ही कत्ल ना हो जाए। कैरी ऑन। अरे आप मैडम नाम क्या पूछ रही हैं? कातिलाना बानो है मैडम, बहुत ही फेमस है। अरे कितने शोज होते हैं इनके, बड़े बड़े लोग आते हैं इनका शो देखने। मैडम एक बार मैं भी गया था शो देखने, और क्या कूद कूद के नाचा था मैं, मुझे तो
मतलब मेरी ड्यूटी लगी थी मैडम वहां पर, तो इसलिए गया था। और कमिश्नर साहब भी आए थे वहां। शुक्रिया शुक्रिया। तो सुन लिया आपने मोहतरमा, क्या इंस्पेक्टर क्या कमिश्नर, हम पे जान छिड़कते हैं हमारे लिस्नर। हाँ बुलबुल उड़ जाएगी। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। लिलो हाँ तो मोहतरमा फरमाए, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? इन्हें देखिए गौर से, पहचानती हैं आप इन्हें? शक्ल तो कुछ देखी देखी सी लग रही है। अरे क्या देखी देखी सी लग रही है? अरे मैं आपका पड़ोसी हूँ जो रात भर आपका दरवाजा खटखटाता है और चिल्लाते रहता है कि बंद करो ये कवाली, मुझे नींद आ रही है। ऐसा है मैडम, इन्होंने आपके खिलाफ FIR लिखवाई है चौकी में कि जो है आप पूरी रात जो है तबले हारमोनियम और इन चमचों के संग अपने के जो है खूब रिहर्सल करती हैं कव्वाली की, जिससे इसकी नींद डिस्टर्ब होती है। ये सारा दिन काम करता है ऑफिस में और रात भर सो नहीं पाता है, इसका जीना मुश्किल हो रखा है आपकी वजह से। अरे तो नींद नहीं आ रही तो चले आइए हमारे फ्लैट पे, मुफ्त की कव्वाली सुनने हो। अरे आपकी कव्वाली की वजह से ही तो इसे नींद नहीं आती है। क्या बात है क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। हमने तो सुना था कि हमारी खूबसूरती ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं, पर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि हमारी कव्वालियां भी लोगों की नींदें उड़ा रही हैं। बहुत खूब बहुत खूब। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। लिलो देखिए मैडम, ऐसा है आपको वार्निंग देने के लिए यहाँ बुलाया है। आप दिन में जितना जो है गला फाड़ के जी खोल के रिहर्सल करिए खूब हल्ला काट के, रात में लेकिन थोड़ा जो है सबर रखिए, रात में आप रिहर्सल ना करें क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो सोते हैं रात को। मोहतरमा अरे रात को ही तो हमारे अंदर का फनकार जागता है। अरे अपने अंदर का फनकार जगाइए रात को, लेकिन दुनिया ने क्यों जगा रही है आप अपने साथ? देखिए कातिलाना बानो जी, देखिए आप एक काम कीजिए ना, आप कोई और जगह ले लीजिए रिहर्सल करने के लिए, कहीं और जाकर रिहर्सल कीजिए। क्यों? अरे हमारा फ्लैट है, हम उसमें जो जी चाहे करें, इन्हें उससे क्या? हाँ ये होते कौन है हमें नसीहत देने वाले? और वैसे भी आपको बता दें कि आपके कमिश्नर साहब भी हमारे मुरीद हैं। हाँ? तो आप हमें यहाँ कमिश्नर साहब की धमकी दे रही हैं? ना 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 मोहतरमा, ना धमकी नहीं, नसीहत। हम नसीहत दे रही हैं आपको कि आप इस मामले से अपने आप को जरा दूर ही रखें। वो क्या है, कि मंत्री साहब ने हमें खुद ये खत दिया है जिसमें उन्होंने हमें खुद इजाजत दी है कि दिन हो या रात कभी भी हम अपने फ्लैट में अपनी कव्वाली की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पढ़ लिया आपने क्या लिखा है? हो गई आपको तसल्ली मोहतरमा? अब हम फिर से कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को इस मामले से जरा दूर ही रखें। अरे हम जैसी कव्वाल तो पूरे देश में ढूंढे से नहीं मिलेगी। हाँ आप जैसी भी इंस्पेक्टर तो चौकियों चौकियों मिलती हैं। अरे मोहतरमा हमारे सामने आपकी क्या बिसात? वाह, इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना नाज खुद के नंबर वन कव्वालन होने का। जरा बच के रहिए, कहीं कोई छठी का दूध याद ना दिला दे आपको और कव्वाली में हरा ना दे। अरे मोहतरमा आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो इस कव्वालन को हरा सके। हाँ और अगर किसी ने हरा दिया तो हम वो हार जाएंगे जो वो कहे। वैसे मोहतरमा आप तो हमसे ऐसे बातें कर रही हैं जैसे आप कव्वाली में हमें चैलेंज कर रही हो। अरे मोहतरमा इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के यहाँ आप कानून की ड्यूटी बजाइए। हाँ कव्वालियों की ताली बजाना आपके बस की बात नहीं मोहतरमा, दम है तो हमें चैलेंज करिए। तो ठीक है चैलेंज रहा, अगर मैंने आपको कव्वाली में हरा दिया तो आपके घर में रात में तबले और हारमोनियम तो क्या
बर्तन भी ना बजेंगे। बोलिए मंजूर सर। मंजूर है, लेकिन मोहतरमा हमारी भी एक शर्त है कि अगर हमने आपको कवाली में हरा दिया तो आप भी अपनी चौकी से, इस इलाके से दूर कहीं चली जाएंगी। कहिए मंजूर है? मंजूर सर। तो ठीक है मोहतरमा, हमें दीजिए इजाजत और आप करिए रियाज। अबे बजाओ ना अब। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, करे करे बालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, करे करे बालों ने। हमें अरे लेकिन ये मैडम, आप बिना एक नंबर की गोली है। अरे मैडम कैसे हराएंगे इसे आप? क्यों लगाई आपने ये शर्त, क्या जरूरत थी? हां जी जी मम्मी जी, वो तो आपको एक मिनट में पछाड़ देगी जी, फिर आपको ये चौकी छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं तो आपके बगैर अनाथ हो जाऊंगा जी। यार तुम लोग इतना नेगेटिव क्यों हो हर चीज में? जब मुंह खोलते हो बुराई बोलते हो, है ना? एक औरत हाथ में मिनिस्टर का लेटर और कमिश्नर की धमकी देके यहाँ हमें चली जाएगी और हम ओके मैडम, यस मैडम बोलेंगे उसे? इंसाफ ना दिलाएंगे आदमी को? मैडम इंसाफ तो दिलाएंगे, लेकिन कवाली कैसे है आप? कैसे ना सारे काम मैं करूं इस चौकी में, तुम मुफ्त की पगार ले रहे हो या कॉमेडी करने के लिए आए हो? एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, मम्मी जी मैं एक आदमी को जानता हूं जो कवाली सिखाता है, कहो तो मैं उसको बुलाऊं? नहीं, कंपटीशन हो जान दे, मैं कवाली की जगह रिमिक्स गा दूंगी, फिर बुला लियो उसे। बुला। एक मिनट एक मिनट, मुझे नींद आ रही है। इसको लेके जा, इसको लोरी सुना कहीं। आओ कवाली सुनाता हूँ तुमको। नहीं। हेलो हजूर, आधा वर्ज है, गोपी ने चीज बोल रहा है। हाँ जी, नहीं माशाल्लाह थोड़े दिन खांसी थी मुझे, अब ठीक। चल चल। सुनिए, अपना मम्मी जी को ना कुछ कॉन्फिडेंटल काम है आपसे, आप जरा चौकी में आ जाइए। हाँ हाँ, शब्बा खैर। आएगा जी। पहले राशि फल पढ़ते, अगले 48 घंटों में अगर तुमने किसी की सहायता की तो तुम्हें बड़ा लाभ हुआ। सहायता तो कर लेंगे लेकिन किसकी सहायता करें? हम सहायता तो कर लेंगे लेकिन किसकी सहायता करें? कोई होना भी तो चाहिए जिसकी हम सहायता करें। कैसा बंकर? द नेम इज गुलगुले सर। नहीं तुम्हें तो उदास हो ना, इसलिए हमने तुम्हें पंकज कहा। जोक जोक जोक। लेकिन सर ये तो आपने सही कहा सर, उदास तो मैं हूं। क्या बात है बताओ? अब सर जिस इंसान की कोई सहायता नहीं करेगा सर, वो इंसान तो मेरी तरह उदास ही होगा ना, और क्या। लपेट लपेट। तुम्हें सहायता की जरूरत है? हाँ सर। अगर तुमने किसी की सहायता की तो तुम्हें बड़ा लाभ हो। ऐसा है सर कि मेरी बीवी है ना, उसे एक साड़ी पसंद आ गई है सर। अब सर वो साड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पर बीवी ने कहा है कि अगर मैं वो साड़ी खरीद के घर नहीं आया तो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अब आप ही बताइए सर क्या करूं मैं सर, पैसे नहीं है मेरे पास, कहां से लाऊं वो साड़ी, कौन करेगा मेरी सहायता, कौन? हम तुम्हारी सहायता करेंगे। वो साड़ी है कितने की? 500 की है सर। रुमाल नहीं चलेगा? नहीं सर, साड़ी तो साड़ी है ना सर। करेक्ट, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हम करेंगे तुम्हारी सहायता, हमारा दिल ना बहुत बड़ा है, आज तक हमने किसको दिखाया नहीं अपना दिल, बहुत बड़ा, बिग हार्ट, 10-15 इंच। ये लो 500 रुपये, लेकिन याद रखना कि हमने तुम्हारी सहायता की है। सर आज आपने मेरी सहायता की है सर, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दिस। और मैं क्या सर, वो है ना वो ऊपर से देख रहा है सर। देख रहा है, देख रहा है, हम जानते हो देख रहा है सर, वो आपका भला करेगा सर। करेगा, जरूर करेगा। ही इज वॉचिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
अब ऐसे क्या मालूम कि हमने इसकी नहीं हमारी अपनी सहायता की है। हमने सहायता की है। आइए हुजूर, आइए हुजूर। मॉम ही इज द कवाली, ये आपको सिखाएंगे कवाली। नाम बताइए अपना। दे हम है टोटल तब्बाल। ताली बजाते। अबे कैसी कंपनी हो रही थारी, ऐसे लोगों में उठ बैठ रहा है। मतलब यही थारा जो है ग्रुप हो रहा है, फ्रेंड सर्कल। अबे ये खुद तो उतरा है, मरने का सिखाएगा यो। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम इसके तोतलेपन से हमें क्या लेना देना। ये कवाली सिखाने आए हैं, आप कवाली सीख लीजिए बस। चलिए भाईजान आप कवाली सिखाइए, नो प्रॉब्लम, सिखाइए। तो नहीं है ए तब्बाली अल तल्ला हूं, ताली बजाते। कबाब पे मैं तलाती। तिति अतिति तलप दे तुलाब ते तुंदा। डु 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 डुम तन 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 तन। पलदा है पलदा है पलदा है पलदा है पलदा है पलदा। तननन पल देते पीते तननन पलदा नती है। पलदा नती तो बे पलदा न तल दू तो। पलदा नती तो बे पलदा न तल दू तो 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 तो। खामोश। मैं चौटाला, ये कौन है जो इतनी बहरहमी से तुतला तुतला कर आपको कवाली सुना रहा है? देखिए आप हमारी इन तल तले ताली बजाते। अबे तुकल मानो कि हम तुम्हारी तिल इंतल कर रहे हैं। अगर बजरंग पांडे अपनी पर आ जाए ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं चौटाला, हमें पता चला है कि आपने उस कवालन से एक कंपटीशन का ऐलान किया है, लेकिन उसके लिए इसकी क्या जरूरत है? अरे सर तो फिर मैडम को कवाली सिखाएगा कौन, पेठा बेचने वाला? शट अप। हम है ना, हम सिखाएंगे आप? हाँ शायद आप जानती नहीं लेकिन हम खानदानी कलाकार है। हमारे दादाजी हाय 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 ऐसे बजाते थे मृदंग के सब हो जाते थे दंग। एक्सक्यूज मी सर, आपके दादाजी का क्या नाम था? हाँ भाई इन्हें बता दीजिए क्योंकि सेम एज ग्रुप के होंगे दोनों, आपके दादा और ये। कैरी ऑन। हमारे दादाजी का नाम था मृदंग पांडे। अंकल आप जानते ए, तुम क्या जानते थे उन्हें? और हमारे डैडी क्या तबला बजाते थे, वाह वाह। ओ फिर तो आपके फादर का नाम होगा तबला पांडे। अरे मृदंग तबला उनका नाम था हुड़दंग पांडे। चलो बेइज्जती कर दी, हट हट हट। लेकिन सर आप, मेरे चौटाला फिक्र मत करिए, हम आपको ऐसे सिखाएंगे कव्वाली कि लोग बजाएंगे ताली। यो बात है तो अगर आप हमारा साथ देने को है राजी तो ईब तो कातिलाना बानो जरूर हारेगी बाजी। मैं चौटाला आप एक काम करिए, आप हमारी आंखों में देखिए बस और अब बोलिए सा सा। मिस चौटाला मैंने सुना है कि आपने मशहूर कवालन कातिलाना बानो को कवाली के मुकाबले की चुनौती दी आपने। यस सर।